आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है, उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक बात है, शरद राव जानते होंगे, वो यहाँ महाराष्ट्र में भी होगा, कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेतों हरे भरे होते हैं, और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई है, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं जी। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जा गया है, महाजनों येन गतः स पंथा, अर्थात महाजन लोग, बड़े लोग जिस पद पर जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय होता है। मैं आदरणीय सभापति जी इस सदन में एक बात करना चाहता हूं, यहां कोई भी हो, किसी दिशा में बैठा हो, उधर हो, यहां हो, कोई भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने आप में छोटा हो बड़ा हो क्षेत्र का लीडर होता है, नेतृत्व करता है वो, जो भी उसका कमांड एरिया होगा वहां के लोग उसको देखते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। और ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हम सत्ता में है तो लीडर और वहां बैठ गए तो अरे रे क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी आप है, अगर जनप्रतिनिधि हैं आप, सच्चे अर्थ में लीडर है। और लीडर अगर इस प्रकार से सोचेगा, ऐसी निराशा से भरा हुआ लीडर होगा तो क्या होगा भाई, यहां बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं भाई, और क्योंकि आप अगर निराश होते हैं तो आपका जो क्षेत्र भले अब धीरे कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा बैठ के रनिंग कमेंट्री करना उचित नहीं है, पद्धति भी नहीं है। हम सबका दायित्व है, सुनिए क्या है, बाद में जब आपको मौका मिला आपने बोला। खड़गे जी, खड़गे जी आपको बुलाएंगे, नहीं ये तो ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे हैं, अननेसेसरी। प्लीज खड़गे जी,
आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के दो तीन लोगों को तैयार किया हुआ इस काम के लिए। आप इस प्रतिष्ठा से रहिए, पीछे है रखा है व्यवस्था। जयराम जी खास जाकर के बाहर जाकर के सूचना लेकर के आए, समझा रहे थे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आप सम्मानीय नेता है।